दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर भी दाग धब्बे, झाइयां, एक्ने के निशान पड़ चुके हैं और चेहरा बिल्कुल डल हो चुका है, तो जो फेस पैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है ऑरेंज पील पाउडर। तो यहाँ पर एक चम्मच ऑरेंज पील पाउडर लिया है, मार्केट का या घर का कोई भी ले सकते हैं आप। सेकेंड इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे हम एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाती है मुल्तानी मिट्टी, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। थर्ड इंग्रेडिएंट है चंदन पाउडर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन सारी चीज़ों की। एक चम्मच लेमन जूस का इस्तेमाल किया है हमने, लेमन सूट नहीं करता है तो टमाटर के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम एक चम्मच हनी और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करने वाले हैं पानी की हेल्प से। अगर आप चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स और पसीना वगैरह बहुत आता है, तो आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और बन गया है एक पावरफुल फेस पैक जो हमारे स्किन की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो फेस पैक अप्लाई करने से पहले चेहरा आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आप किसी क्लिंजिंग मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल कच्चे दूध का इस्तेमाल भी अपने चेहरे को साफ करने के लिए कर सकते हैं। रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर चेहरा बहुत ऑयली है और कच्चा दूध सूट नहीं करता है। तो आप पूरे फेस पैक को अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। इसमें जिन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हमने किया है ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं, मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर, इनका जो इफेक्ट होता है हमारी स्किन पे गर्मियों में ऑयल को एब्जॉर्ब करने में, डर्ट को रिमूव करने में, चेहरे को एक कूलिंग इफेक्ट देने में, पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम को शांत करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं चीज़ें। ऑरेंज पील पाउडर और लेमन जूस एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करके हमारे स्किन के जितने भी दाग धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, उनको लाइट करने का काम करता है। तो अगर कंटिन्यूस आप इस फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कोई भी चीज़ एक बार में असर नहीं करती है, तो एक बार के इस्तेमाल के बाद आपको तुरंत एक कोई मैजिक फील नहीं होगा जैसा कि सभी दावा करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ आप रेगुलर करेंगे उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये इतनी नेचुरल चीज़ें होती हैं कि ये धीरे धीरे अपने असर शो करती हैं। इनमें कोई भी केमिकल नहीं है कि आपने लगाया और फट से आपकी स्किन एकदम ब्लीच हो जाएगी, जी नहीं। जो दावा करते हैं एक ही बार में एप्लीकेशन से आपकी स्किन एकदम लाइटन ब्राइटन हो जाएगी, वो सरासर गलत है। एक बार में ये सब चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं। और देखिए, फेस पैक सूखने के बाद 15 से 20 मिनट बाद इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं आपको रब करना है, आपको पानी की हेल्प से इसको मसाज करते हुए रिमूव करना है, क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता है। तो आप इसको पानी लगाते जाइए, मसाज करते जाइए और इसको रिमूव करते जाइए, तो मसाज भी हो जाएगी और आपका फेस पैक भी रिमूव हो जाएगा। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और एक एक्स्ट्रा ग्लो जो है आपकी स्किन में ऐड होता है। तो क्लीन करने के बाद बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।